तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए देसी मशरूम की सब्जी की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे इस तरह से बना सकते हैं। तो ये है देसी मशरूम। ये देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है और इसमें बहुत सारी मिट्टी लगी होती है। इसको आप अच्छी तरह से ज़्यादा पानी में डालकर इसकी मिट्टी को रगड़ रगड़ कर साफ कर लें, कुछ इस तरह से। मिट्टी साफ करने के बाद इसे 3-4 बार अच्छी तरह से धुल लें। अब मैंने इसे धुलकर रख लिया है और इसके छोटे छोटे टुकड़े कट करने के बाद इसे 4 टुकड़ों में फिर से कट कर देंगे, जिसे मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी। ये देखने में अब कुछ इस तरह का लग रहा है। इसे बनाने के लिए लिया है 1 टमाटर, लहसुन, अदरक और लाल मिर्च, या फिर आप कोई भी मिर्च ले सकते हैं। तो अब इस तरह से मैंने इसे कट करके रख लिया है और ये आप देख सकते हैं। साथ में लिया है कटी हुई प्याज 2 बड़े साइज की। इधर कुकर में मैंने डाल दिया था 1.5 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद इसमें डाला है प्याज इसको फ्राई करने के लिए। अब लहसुन, अदरक और मिर्च को ग्राइंड कर लेंगे। इधर पैन में ज़्यादा पानी रखने के बाद डाला है 1/2 चम्मच सादा नमक और अब डाल रही हूँ मशरूम। 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से उबलने के लिए रख दिया है, जिससे कि इसकी स्मेल निकल जाए। आप जब भी इसे बॉयल करने के लिए रखें तो पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाना चाहिए। और इधर प्याज अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद इसमें डाल दिया है लहसुन, अदरक और टमाटर मिर्च का पेस्ट। मीडियम फ्लेम पर इसे 3-4 मिनट के लिए प्याज के साथ में भुनूंगी। मसाले के लिए ली है 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 छोटा चम्मच लिया है गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। और मसाले आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़े कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाद में 1 चम्मच लिया था काश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है इसको गीला करने के लिए। अब पेस्ट अच्छी तरह से भुन जाने के बाद इसमें डाल रहे हैं मसाले, जिन्हें मैंने अभी आपको प्लेट में निकालते हुए दिखाया था। मसाले को गीला करने से मसाले अच्छी तरह से फूल कर भुन जाते हैं। और उसी प्लेट से थोड़ा सा पानी डालकर फिर से इसमें डाल दिया है जिसमें मैंने अभी मसाले को निकाला था। अब डाला है 1/2 चम्मच सादा नमक टेस्ट के हिसाब से। इधर मशरूम अच्छी तरह से उबलने लगा है। मीडियम फ्लेम पर इसे 5 मिनट के लिए बॉयल करने के लिए रखा है और अब फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसका पानी निकाल दूंगी और एक बार फिर से धुल लूंगी। तो अब इसे धुलकर इस बर्तन में रख लिया है। मसाले भुन जाने के बाद इसमें डाले हैं मशरूम। मैंने इसमें पिसा मसाला गरम वाला डाला है। अगर आप चाहें तो खड़े मसाले भी इसमें डाल सकते हैं। मशरूम डालने के बाद लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसे फिर से मसालों के साथ में भून लिया है, जिससे कि इसका टेस्ट और भी अच्छा आए। और साथ में डाला है 1 कप पानी।
अब इसे मिक्स करने के बाद लगभग 3 से 4 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी। तो 4 सीटी आने के बाद मैंने इसे खोला है और आप देख सकते हैं कि ये सब्जी अभी कुछ इस तरह की लग रही है। तो अभी सब्जी को मैं 3-4 मिनट के लिए और पकाऊंगी, जिससे कि इसकी ग्रेवी देखने में अच्छी लगे। अब इसे 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पर रख दिया था और अब आप देख सकते हैं कि ये सब्जी कैसी बनी है। इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनी है, ना तो इसका पानी मशरूम से अलग लग रहा है और सब्जी देखने में टेस्टी भी लग रही है, आप देख सकते हैं। आप इस सब्जी को अपनी मनपसंद रोटियों के साथ में, चावल के साथ में बनाकर खा सकते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए देसी मशरूम की सब्जी बनकर तैयार है। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।